तो देखेंगे ये आने वाला वीक 12 राशियों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है। सबसे पहले मेष एरीज। मेष राशि वालों, आपके लिए ये कमिंग वीक लक, मनी, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, तो आपके लिए ये वीक बहुत ही फ्रूटफुल वीक रहेगा। अब हम देखेंगे सेकेंड जोडियक टॉरस वृषभ। वृषभ राशि वालों, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी प्रकार की भी नेगेटिविटी या तो ज्यादा ओवर स्ट्रेस या टेंशन के कारण आप डिस्टर्ब फील कर सकते हो, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फाइनेंशियली भी ये वीक थोड़ा आपके लिए टफ जाएगा। नेगेटिविटी, जेलसी या तो किसी के बुरी नजर के कारण आपके करियर और बिजनेस में भी इस वीक इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण थोड़ा स्लो बिजनेस रहेगा। बट आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे इस वीक, लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत ही हेल्दी रहेंगे। अब हम देखेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि जेमिनी। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए तो ये वीक ओवरऑल बहुत ही लक्की वीक रहेगा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, कुछ नई शुरुआत हो सकती है करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, और हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अब हम देखेंगे चौथी राशि कर्क राशि कैंसर। कर्क राशि वालों, आपके लिए इस वीक स्पिरिचुअल जर्नी, न्यू बिगिनिंग, गुड लक, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आ रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। तो आप इस वीक ओवरऑल बहुत ही अच्छा वीक रहेगा और आप बहुत ही हेल्दी रहोगे इस वीक। अब हम देखेंगे पांचवी राशि सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी या तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप किसी जर्नी पे जाओगे, जो जर्नी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और लक्की रहेगी जर्नी, और आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। बट करियर बिजनेस में थोड़ा ऑब्स्टेकल्स आने के चांस दिख रहे हैं, और हेल्थ भी थोड़ी आपकी लो फील कर सकते हो, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे छठी राशि कन्या राशि वोगो। कन्या राशि वालों, इस वीक मनी लक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट रिलेशनशिप में और हेल्थ में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। आपको किसी के भी साथ कुछ फाइट्स नहीं करनी है, ना ही कुछ एक्सपेक्टेशन रखने हैं किसी से। आपको अपना कर्म करना है, बाकी सब आपको भगवान पे छोड़ देना है। अब हम देखेंगे सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों, आपको इस वीक बिजनेस और करियर में अच्छी सफलता दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, जर्नी हो सकती है आपकी बिजनेस के सिलसिले में, और ये वीक आपको बहुत ही फ्रूटफुल वीक देख रहा है मनी एंड फाइनेंस में। बट किसी की नेगेटिविटी, जेलसी लग सकती है, जिसके कारण आपकी हेल्थ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं और रिलेशनशिप में आप कुछ डिस्टर्ब फील कर सकते हो, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है इस वीक। अब हम देखेंगे अगली राशि आठवीं राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आपका तो ये वीक बहुत ही पॉजिटिव वीक है, मनी लक है, हेल्थ अच्छी है, रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हैं, तो इस वीक आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताओगे, कोई जर्नी पे आप जा सकते हो। अब हम देखेंगे नौवीं राशि धनु राशि सेजिटेरियस। धनु राशि वालों, आप अपनी हिम्मत और स्ट्रेंथ से आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छा सक्सेस पाओगे, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, करियर में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका हेल्थ वाइज अगर देखें तो बहुत वाइब्रेंट हेल्थ रहेगी आपकी इस वीक। रिलेशनशिप में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल या पिंचिंग हो सकती है, बट ओवरऑल आपके रिलेशनशिप बैलेंस में रहेंगे। दसवीं राशि मकर राशि कैप्रिकॉन। मकर राशि वालों, आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो कोई आपका फायदा उठा सकता है, बिजनेस में और करियर में संभालना है, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे और हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी आपकी इस वीक। अब हम देखेंगे ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि वालों, आपको इस वीक कुछ डिस्टर्बेंस या लोनलीनेस, या आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो एक्सपेक्टेशन सामने वाला फुलफिल नहीं करेगा, जिसके कारण आप इमोशनली मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब फील करोगे। करियर बिजनेस काफी अच्छा होगा, आपके काम का एप्रिशिएशन होगा, और आप रिलेशनशिप में अपने एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़े लिमिटेशंस में रखिए, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अब हम देखेंगे बारहवीं राशि मीन राशि पाइसिस।
मीन राशि वालों, आपको इस वीक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का कार्ड आ रहा है। कोई गुरु, गाइड, टीचर जिसकी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ोगे। करियर में और बिजनेस में कुछ इम्बैलेंस होगा, बट आगे आने वाले समय में फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। भगवान की ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल ऑरा डिवाइन टैरेट वास्तु बाय गुंजन को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है ऑरा डिवाइन और मेरा इंस्टा अकाउंट है ऑरा डिवाइन क्रिस्टल्स। थैंक यू।